हमजा फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। भावल नगर में हमजा फूड मुजरे से खुराक बनाने पर सर्वे मोहर कर दिया गया। जान मोहम्मद पापड़ फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। बिहाड़ी में हाफिज देवाड़ी स्वीट्स एंड बेकर्स को 20,000 जुर्माना आयद किया गया। मजीद जानेंगे अदनान याकूब से। अदनान कहिएगा किसको कितना जुर्माना हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान और दूसरे शहरों में कार्रवाइयां करते हुए गैर बैरी फ्रॉड काम करने वाले फूड पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए सफाई के नाकस इंतजाम पर 33,000 रुपए के जुर्माने आयद किए हैं मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर। इसके अलावा हासिलपुर चिश्तियां भावल नगर में भी मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को सील किया जिसमें हमजा फूड पॉइंट शामिल है। इसके अलावा बिहाड़ी में हाफिज रेवाड़ी स्वीट एंड बेकर्स को दी गई हदायत पर नकल करने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। और इसके साथ दीगर कार्रवाइयों में 150 किलोग्राम तैयार शुदा मुजरे से खुराक जो है वो तलब की गई। 100 लीटर नाकस आयल 84 जो है साशे गुटका जो है वो तलब किया गया। 5,000 रंगदार और इसके अलावा दीगर जो है गैर मियारी जो खुराक थी वो तलब की गई फूड अथॉरिटी की जानब से। और तमाम फूड पॉइंट्स को फूड अथॉरिटी के तर्जमान के मुताबिक इसीलिए जुर्माने और सील किया गया है क्योंकि जो हदायत जारी की जाती है फूड अथॉरिटी की उन पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं होता। तो यही कहना है तर्जमान का भी कि माह रमजान में गैर मियारी खुराक फराहम करने वाले जो फूड पॉइंट्स हैं चाहे शहरी के औकात में है चाहे अफतारी के औकात में है फूड अथॉरिटी की खसूसी टीमें उनके जो है विजिट करती है। और मुजफ्फरगढ़ में हुसैन सबीर चौधरी आइस फैक्ट्री सील कर दी गई। उधर लैया में खान दूध कलेक्शन सेंटर और डीडी खान में कुरेशी सोडा सर्वे मोहर कर दिया गया। मजीद बात करेंगे आपको बताएं कि तैयब सैफ से। तैयब सैफ अपडेट कीजिएगा। आज इनको रमजान करीम में पंजाब फूड अथॉरिटी की मजर से खुराक के खात्मे के लिए जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं जिसके तहत मुजफ्फरगढ़ में हुसैन स्वीट चौधरी आइस फैक्ट्री रहीम यार खान में आविल स्वीट को सफाई के इतनी नाकस इंतजाम होने के ऊपर जो है सील कर दिया गया है। जबकि लैया में खादम दूध कलेक्शन सेंटर और डीजी खान ने कुरेशी सोडा मुजरे से खुराक फराहम मुहैया करने के ऊपर सरगर्मर कर दिए गए हैं। जबकि सफाई के नाकस इंतजाम होने पर पूरे जनूबी पंजाब के जिस खासतौर पर पंजाब टू के जो इलाके हैं वहां पर दुकानदारों को कुल 99,500 रुपये के जुर्माने किए गए हैं। जबकि डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ स्टोन का कहना था कि दौरान कार्रवाई 300 जो पैट्स मुजरे से जूस थे उनको जो है तलब किया गया है। 797 लीटर नाकस आयल 45 लीटर खराब शीरा 23 किलो जायदर मयाद मिठाई 17 किलो चाइना नमक और 12 लीटर मुजरे से सोडा वाटर जो है उसको तलब किया गया। जबकि तमाम के तमाम फूड पॉइंट्स को मयारी खुराक फराहम न करने और सफाई के इंतजाम में बेहतरी न लाने पर सील किया गया है। यह कहना था डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जोन टू का।